तो हेलो गाइज, मेरा नाम महेश जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए चलते चलते शूट किए हुए ब्लॉग में। और रास्ता बहुत ही ख़राब है, ठीक है, कदम कदम पे जो है रुकावटें मिल रही हैं, फिर भी अपना वीडियो जो है आता रहता है हर दिन। आज का ये जो ब्लॉग है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे जो बहुत ही प्यारे यूट्यूबर है आसनसोल के मिस्टर देसी बोंग, उनको जो है कुछ मुझे मैसेज देना था और कुछ सजेशंस भी देने थे। तो आप लोग अगर जानते हो मिस्टर देसी बोंग को, इनका एक्चुअल नेम है प्रीतम दा, हम सबके बहुत ही प्यारे फूड ब्लॉगर है आसनसोल के, तो उनके ये जो मैं वीडियो है बहुत ही पहले से देखता आ रहा हूँ। इस साल के जितने भी वीडियो है मैंने पूरे देख डाले हैं क्योंकि बंदा वीडियो इतना प्यारा बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है उनके चैनल के बारे में मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि प्रीतम दा जो है अपने चैनल में मास्क नहीं पहनते जब भी वीडियो बनाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार फूड ब्लॉगर मास्क क्यों बनाएगा, मतलब क्यों पहनेगा मास्क। तो मेरे एक चीज़ कहना है कि जब आप खाना खा रहे हो तब आप मास्क नहीं पहनो। लेकिन प्रीतम दा तो सिर्फ खाना नहीं खाते अपने वीडियोज़ में, वो क्या करते हैं दुकान के बाहर जो है खड़े होकर दुकान के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, थोड़ा इंट्रो भी देते हैं ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि दुकान कहाँ पर है, तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल ही होता है। लेकिन जब आप ये सब कर रहे हो, जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तब आप जो है कृपया करके प्रीतम दा आपसे अभी से कह रहा हो, तब आप जो है जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो या जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि मेला वाला जो आपका रिसेंट टाइम का व्लॉग आया है जिसमें आप मेले में घूम रहे हो, तब आप मास्क पहना कीजिए ज़रूर से। क्योंकि देश में जो है आपको भी पता है, आपको अब नया से क्या बताऊँ, देश में जो है कोरोना बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, पता नहीं और क्या क्या नया नया वायरस आएगा। बेहतर यही है कि आप मास्क पहन के वीडियो बनाए कीजिए। क्योंकि आपका जो न्यू ईयर वाला वीडियो था मैंने देखा था, उसमें आप लोगों ने कहा था कि गाइस अब हम जो है मास्क पहनेंगे क्योंकि अब हम अंदर जाने वाला है गैलेक्सी के, आप जो है बिग बाज़ार के अंदर गए मास्क नहीं पहना आपने, बिग बाज़ार के बाहर आए आपने नहीं मास्क पहना, आगे भी आपने नहीं मास्क पहना। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगा कि आप बोल रहे हो कि अब हम मास्क पहनेंगे लेकिन आप पहन ही नहीं रहे हो। और आपके जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने सारे देख डाले प्रीतम भाई, लेकिन आपके एक भी वीडियोज़ में मैंने आपको प्रॉपर मास्क पहने हुए नहीं देखा। वो शायद इस वजह से क्योंकि आप जो है अपने वीडियो में अपने फेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स ओके। बट प्रीतम भाई, आपकी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि आपके फेस वैल्यू से ज़्यादा प्रीतम भाई आपकी लाइफ वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आप जो है वीडियो में अपने फेस को दिखा रहे हो, दैट इज़ ओके, बट जब अननेसेसरी अपने फेस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप बाहर में खड़े होकर इंट्रो दे रहे हो कोई भी दुकान का, तब आप मास्क पहन के भी दे सकते हो। और एक चीज़, आपने जो है अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में लिखा है प्रीतम भाई कि यू लिव इन आसनसोल, तरीके से तो यू आर रिप्रेजेंटिंग आसनसोल एज एन यूट्यूबर, एज एन व्लॉगर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अपने वीडियो में मास्क पहनोगे और आपके वीडियो के माध्यम से जो है ये मैसेज जो आपके दर्शक हैं, आसनसोल के हो, आसनसोल के बाहर के हो, बानपुर के हो, कहीं के भी हो, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि मास्क पहनना ज़रूरी है। अब आप अगर एज ए यूट्यूबर मास्क नहीं पहनते हो तो ये तो गलत है ना। जैसे कि आपने मेले वाले व्लॉग में बिना मास्क पहने हुए आप घूम रहे थे, तो जो भी है, लेकिन आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। ये मैं आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बोल रहा, या आपको किसी भी तरीके का हेट फैलाने के लिए नहीं बोल रहा। ये जो है आप एक मिनट के लिए सोच के देखिएगा, ये जो चीज़ें हैं मैं आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ और ताकि जो है आपके चैनल से किसी को भी गलत मैसेज ना पहुँचे। क्योंकि प्रीतम भाई शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन जब आप चैनल ग्रो करता, जैसे आपका 3.5K सब्सक्राइबर्स है, आपका चैनल जो है ग्रो कर चुका है, तो जो है आपके चैनल से एक मैसेज पोर्ट्रे होता है जो आपके ऑडियंस से जो आपको देख रही है। तो अगर आप बिना मास्क पहने वीडियो बनाते हो प्रीतम भाई, तो आपके चैनल से जो एक नेगेटिव मैसेज पोर्ट्रे होगा ऑटोमेटिकली, शायद आपको पता नहीं हो या उसके लिए शायद आप भी ज़िम्मेदार नहीं हो। तो अगर आप मास्क पहनते हो तो आपके चैनल से जो है एक पॉजिटिव मैसेज पोर्ट्रे होता है जो कि सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी प्रीतम भाई आप वीडियो बहुत ही अच्छा बनाते हो, मैं भी जो है आपके हर वीडियो देखता हूँ, आपके साथ जो है मोटोफ्लिक्स भी रहते हैं, उनको भी ज़रूर से ये बात समझाइएगा। और भाई जब मोटोफ्लिक्स अरिंदम, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम शायद मुझे पहचानते हो, शुभजीत घटक, सुभाष पल्ली, विद्या निकेतन फेस शायद देख के तुम पहचान गए होगे। तो तुम भी जो है इस चीज़ का उपयोग करा करो। हिंदी नहीं निकल रहा, इतना चल रहा हूँ, सांस भी चढ़ रहा है। तो जो भी था प्रीतम भाई, आपको किसी तरीके से जो है गलत चीज़ें बोलना मेरा उद्देश्य नहीं था, आपको जो एक छोटा सा सजेशन देना था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आसनसोल एज अ सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है,
तो मतलब आसनसोल में एक यूट्यूबर एक दूसरे यूट्यूबर अपने ब्रदर समझ के जो है सजेशन दे रहा है, यही समझ के जो है आप इस सजेशन को अगर लेते हो तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। और आपके वीडियोस में जो है बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपके वीडियोस से जो है नेगेटिव मैसेज पोट्रे हो, क्योंकि आप आसनसोल को रिप्रेजेंट करते हो। बाकी अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं जो है अपने हर एक वीडियो में मास्क पहना करता हूँ। मेरा सबसे हाईएस्ट व्यूड जो वीडियो था, हालांकि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है लेकिन फिर भी 600 व्यू वाला मेरा एक वीडियो था जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था मेरे मोहल्ले में भी और आसपास के मोहल्ले में भी। तो अगर मैं चाहता तो उस वीडियो में बिना मास्क पहन के कर सकता था सरस्वती पूजा के टाइम में। आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। लेकिन पूरे वीडियो में जो है मैंने बिना मास्क पहने उस वीडियो को नहीं किया, मास्क पहना हुआ था पूरे वीडियो में। इस वजह से जो है मेरा फेस कोई भी अच्छे से नहीं देख पाया और मुझे नहीं जान पाया कोई भी कि उस वीडियो में मैं था। तो लेकिन मुझे लगा कि यार मेरे फेस वैल्यू से ज़्यादा मेरी हेल्थ की वैल्यू ज़रूरी है और एक गुड मैसेज पोर्ट्रे करना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी यार क्या है, आप भी आसनसोल के यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, मैं भी आसनसोल का ही ब्लॉगर हूँ, वी आर लाइक ब्रदर। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर मैंने आपको कोई गलत चीज़ कही है, अगर आपको ठेस पहुँची है तो उसके लिए सॉरी, बट आप इस चीज़ के ऊपर सोच के देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कुछ मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फिलहाल उसी की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव अ हेल्दी लाइफ।